हम बात करेंगे अभी एक और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए जर्नलिस्ट हैं, क्रिक बिस के लिए काम करते हैं और ये हिंदी बोलते हैं, भारत से इनका ताल्लुक़ है लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। भरत इनका नाम है। भरत भाई कैसे हैं? मैं तो एकदम ठीक हूँ आसिफ भाई। हिंदी मैं बहुत अच्छी तरह से बोल लेता हूँ, बॉम्बे का हूँ ओरिजिनली, अभी मैं रहता हूँ एडिलेड में और हमेशा चाहता था कि एक दिन पाकिस्तान आऊँ और क्रिकेट कवर करूँ, तो फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया। आपकी स्टोरीज में मैं पढ़ता हूँ क्रिक बिस पे, इंडियन टीम क्यों नहीं आती पाकिस्तान, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ। ये तो सर आप बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखिए ये तो मेरे पे ग्रेड के ऊपर का सवाल है। आई मीन ऑफकोर्स पॉलिटिकली काफ़ी कुछ होता रहता है दोनों देश के बारे में और बड़ा हिस्ट्री भी है, लेकिन देखिए बहुत 90s में ऐसे लगा कि कभी होगा ही नहीं इंडिया और पाकिस्तान का खेल, लेकिन आपको याद होगा 99 में पाकिस्तान आया था, फिर इंडिया दो बार यहाँ आया और 4 साल में 4 टेस्ट सीरीज़ हुए। चलो हो गया 15 साल उसके लिए, तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड एक ना एक दिन वापस क्रिकेट भी शुरू हो जाएगा बायलैटरल। अभी रमेश राजा जी बात कर रहे हैं एक बायलैटरल और एक ट्राइंगुलर या क्वाड्रेंगुलर करने का, तो मैं यू हू नोज़, और 2 साल में आप लोग शायद ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे इंडिया पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए इंडिया में पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर इस वक्त जिसको के पसंद किया जाता है इंडिया में? यहाँ पाकिस्तान ने, मैं आपको बताऊं, कोहली की बहुत फॉलोइंग है, रोहित शर्मा की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है और बड़े ओपनली फॉलो करते हैं, आपने पिंडी टेस्ट में देखा भी होगा। नहीं नहीं एकदम ठीक, और मैं काफ़ी ऐसे पाकिस्तानियों से मिला हूँ जो यहाँ पर भी जो बोलते हैं कि नहीं हम इंडिया जब भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलता हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं विराट और रोहित के बड़े बड़े फैंस हैं यहाँ पे। तो आई थिंक हमेशा इंडिया में ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हमें बहुत पसंद है, क्योंकि एक टाइम था जब हम लोग इतना फास्ट बॉलर क्रिएट नहीं प्रोड्यूस नहीं करते थे, तो अभी भी लेकिन हमारे पास तो आजकल बहुत फास्ट बॉलर है, लेकिन शाहीन अफरीदी बहुत बड़े स्टार है। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक बाबर आजम को हम बहुत रेट करते हैं और इंडिया में लोग बहुत रेट करते हैं उनका कवर ड्राइव, और विराट कोहली का कवर ड्राइव तो साथ ही साथ चलता है। एंड दोनों टीम्स के बीच में भी आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप के बाद बहुत प्यार है, मिलजुल के खेलते हैं, तो वो सब अच्छा होता है देखने के लिए। अच्छा अभी पाकिस्तान आप आए, बड़े अरसे के बाद आप आए पाकिस्तान, क्या चेंज आपको लगा? नहीं मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, लाइक ऑस्ट्रेलियन टीम काफ़ी अरसे, ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत साल के बाद आ रहा है। नहीं आई मीन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यार मैं इंडिया में कोई शहर में आ गया, कराची और बॉम्बे का हवा एक जैसा है, तो सीरियसली कुछ नहीं तो वो उससे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आप लोग ने हमें बहुत हॉस्पिटैलिटी दिखाया, कल रात को आप खाने ले गए और जिस बाहर बैठ के जैसे हम खाते भी है रात भर सब खुला रहता है, तब एकदम बम्बई की तरह है। लेकिन देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम जो आया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यू नो अगर ये टूर साफ सलामत निकल जाएगा और इंशाल्लाह होगा ही, तो आप देखेंगे कि बाकी देश भी आने लग जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा एक शोकेस है नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बट फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। बहुत बहुत शुक्रिया भरत साहब आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू।